I'm the bad guy. Duh. सो वेलकम बैक हो गया मेरे न्यू व्लॉग के अंदर यार। अब भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तो मेरे ख्याल से 10:40 हो गए हैं। यहाँ से मेरी बस आएगी, बैठ के मैं जाऊँगा। आज जो काम जो मेरे कल रह गए थे ना, आज उसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ। आधे कर लिए, थोड़े से रह गए। स्कूल जाके बताना है, देखना है क्या कुछ आगे शुरू हुआ हुआ है, फिर देखते हैं आगे। बस पे बैठते हैं, इस बस ने 1 घंटे बाद मुझे चलना है। मुझे 1 घंटा मैंने ट्रैवल करना है सिर्फ अपनी स्टडी के लिए। चलो बस आने में लगी है, उधर के मिलता हूँ आपसे मैं फिर। सो यार यहाँ पे 12 बजे मैं पहुँच चुका हूँ अपने यहाँ पे। 1 घंटा रहेगा छुट्टी होने में, लेट पहुँचा हूँ जाके। मैं जो पढ़ा रहे हैं उनको कंटिन्यू करूँ आगे, फिर मैं मिलता हूँ छुट्टी के टाइम। 1 घंटे में छुट्टी हो जानी है। ओके छुट्टी हो गई, लिखने लगा मैं कुछ ना। चलो यार काफ़ी कुछ नया सिखा दिया था, बस याद ही करना है और कुछ नहीं। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर को, जाके मिलता हूँ यार। बाहर टीचर बैठी हुई, अच्छा नहीं लगता। What the fuck? छुट्टी मुझे होगी हुई इस टाइम, देख सकते हो। अब मैं निकलने लगा हूँ ट्रेन के लिए। ट्रेन मेरी भी जो फ्रैंकफर्ट जाती है ना, उस पर मैं जाता हूँ, ठीक है। वो इस हिसाब से निकल गई है, तभी मेरी इस टाइम बड़ी ख़राब है। लेकिन हल्का हल्का जब होता है ना, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ रही है। लाइक मौसम भी अच्छा है, आज इतनी ठंड वो वाली नहीं है। इस ठंड में मैं आता जाता रहता हूँ। मैं यहाँ भी ढूंढ रहा हूँ क्या बोलते हैं वो इंग्लिश के अंदर, फेयर स्टेज होता है ना, मतलब डॉच में ऐसे हिल पे बोलते हैं उसको। मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिले, उसका मैंने कोर्स करना है यार। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मेरे लिए, अदरवाइज़ मैं वो कुछ कह नहीं सकता यार। एक दिन का कोर्स होता है, उसके अंदर आपको पता चल जाता है अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसको, अगर आपके घर में या कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ चाकू शाकू चोट हड्डी टूट जाती है तो आपने किस तरह से, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उतनी देर तक आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके अंदर एक दिन में आपको सारा गाइड कर देते हैं। तो वो तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। यहाँ का गरीब मैकडोनल्ड्स देखना है, ये देखो गरीबों वाला। यहाँ मैं रहता हूँ विलेज है, कोई सिटी नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल से 5 यूरो के मेरे ख्याल से 6-7 होते हैं अंदर पीस, 6 से 7 पीस होते हैं 5 यूरो के, वो मिलता है। इतना महंगाई हो गई है, खुद छोड़ दो। सोचो अंदर 4 चिप्स के 5 यूरो देने पड़ते हैं। मैं उसके बाद से मैंने नहीं लिया कभी भी, वो भी अबू ने ले गया था, मैंने खुद नहीं से लिया, वो मैं खुद नहीं पैसा लगाता। Fuck off. मैं पहुंच गया स्टेशन में। ये सामने ट्रेन है ना, ये जर्मनी की सबसे तेज तरीन ट्रेन है, ICE लिखा हुआ ना। ये मेन सिटीज में रुकती है, उसके अलावा कहीं भी नहीं रुकती। उफ यार मेरी इतनी की बैड लक है ना, आज फिर से जो सबसे ऊपर ट्रेन आ रही है ना माइंस, ये माइंस वाली ट्रेन पे 5 मिनट लेट है। ये पता नहीं यार आती भी है कि नहीं, 5 मिनट लेट है। अब मतलब कि इतना जलील कराएगी मुझे यार पे ये। उफ सिर्फ स्कूल मेरा 9 बजे लगता है, घर से मुझे 6 बजे निकलना पड़ता है इस काम के लिए रोज़ाना। 9 बजे यकीन मानो 9 बजे स्कूल लगता हो, आप निकल रहे हो 6 बजे घर से, तो कितना ना नींद सही से पूरी होती है, ना रेस्ट हो पाता है, ना ऊपर से यार इतना ज़्यादा लोड होता है ना काम का, मैं बता नहीं सकता। तो कोई नहीं, ट्रेन आती है मैं बैठता हूँ, उतर के मिलते हैं फिर आगे क्या करना है। यहाँ मैंने चेक किया ऐसे हिल्फे का, वो नहीं मुझे मिल पाया, सॉरी मिल करीब नहीं पाया, दूर बहुत मिल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ मेरी सिटी करीब लगती है ना, वहाँ पर ट्राई मार के देखते हैं, वहाँ ट्राई मारते हैं कि क्या कुछ किस तरह से मिल रहा है, ठीक हो गया। दो चीज़ें हैं, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, उसका टेस्ट कराते हैं, देखते हैं क्या बना है। पता नहीं यार आंखें बिल्कुल गंदी हो गई मेरी यार। उसके बाद दूसरा ये है, ये दो चीज़ें इनको कन्फर्म करके ही रहना है। मिलता हूँ यार फिर अपनी सिटी में उतर के। ओके ट्रेन 20 मिनट लेट आई है मेरी, 25 मिनट। फाइनली जगह मिल गई है मुझे, टांगे बड़ी थकी हुई थी, उतर के मिलते हैं आपसे यार। शीशे भी गंदे, कुछ नजर तो आ नहीं रहा। ओह माय गॉड। तो फाइनली मैं पहुंच गया उधर, टेस्ट उस करवाए हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इन्होंने टर्मिन दे दिया कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है। ओह That was too much bad to me. Really, उम्मीद ज़रा भी नहीं थी मुझे यार इतना। उन्होंने एक चीज़ दी मुझे, उन्होंने कस में देखो कुछ नज़र आ रहा है,
मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी इतना खास मज़ा तो नहीं आया। कहते वो जो एंड पे जो वो जो शील्ड्स हैं उनको ही बता दो। मैंने कोशिश की किया देखने का तो मुझे इस तरह लगी जैसे इम्पॉसिबल चीज़ है, तो फिर मेरे से नहीं हो पाया वो। मैंने फिर यार कैंसिल मार दिया, मैंने कहा नहीं है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने एंड तक अपनी फुल ट्राई की देखने की समझने की, पर नहीं, मेरी आई से वीक हैं तो वीक हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रेन आने में कुछ टाइम लगेगा, निकलते हैं यार। ये जिस जगह पर मैं आया हूँ ये मेरा पुराना सिटी है, ये सामने चर्च है इतना बड़ा सा, यहाँ पे मैं रहा हूँ 1.5 साल। और जिस जगह पर मैं गया हूँ वहाँ पर मैं रहा हूँ कोई राउंड अबाउट 9-8 महीने लगा लो यार, इससे ज़्यादा नहीं। इसका अपना ही मज़ा है यार, ये यहाँ से सीधा आप निकलोगे ना सामने आपको पानी देखने को मिलेगा। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे आइस है, गर्मियों में मिलती है, ठंड में इनका ढाबा बंद हो गया हुआ है, ठीक हो गया। जगह ये बहुत प्यारी थी यार, बहुत प्यारी जगह थी, ये अच्छी है जगह। सीधा जाओगे सामने आपको पानी नज़र आएगा, पर वहाँ भी इतनी हवा है कि शायद मेरी आवाज़ भी आपको ना आए, डेंजरस काम है बहुत ज़्यादा। इधर आसपास फूल जैसे कहते हैं ना कोई खाल टेम्परेचर हुआ इस टाइम। मैंने इसकी क्वालिटी पहले से बढ़ा के देखी थी, पता नहीं फ़र्क पड़ा है व्लॉग्स में कि नहीं पड़ा। मैंने फुल अल्ट्रा कर दी है 4K से भी ऊपर, जितनी थी ना कैपेसिटी सारी बढ़ा दी है इसमें। सो ये टूरिस्ट के लिए बना हुआ प्लान, क्या आपने कहाँ कहाँ जाना है, इसकी प्राइस वगैरह क्या, यहाँ सब लिखा हुआ है। और उससे आगे ये शिप्स वगैरह हैं, ये सिटीज जाकर रुकती हैं, आपको इंजॉय कराएंगी 100-200 यूरो के अंदर। फुल 50 जब कोरोना ख़त्म हुआ था 50 के अंदर आप जा सकते थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जाने के लिए ना इस वजह से। सो ये व्लॉग आज थोड़ा सा चला गया व्यूज़ के ऊपर, और जो मेरी दूसरी है ट्रेनिंग है कि अगर कोई हैपन हो जाता है तो उसमें आपने क्या करना है। यार इंग्लिश में वो लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया, उसको पता नहीं मेरे ख्याल से बोलते थे, बताता हूँ ठहर के आपको। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स देख रहे हो, जब मैं आया था सिटी में उस टाइम कोरोना का टाइम था, ये सब बंद थे, आप देखो सब खुल चुका हुआ है, 2 साल हो गए इस बात को। सो यार रिवाइविंग किट नहीं होती, रिवाइविंग किट जो गेम्स के अंदर होती है उस किट्स का नाम होता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश के अंदर, याद करने में टाइम लग रहा है मुझे यार। एक डोइश में एरस्टे हिल्फ है और मेडिकेट, उस मेडिकेट का जो है ना, सॉरी यार, वो जो मेडिकेट का जो एक पूरा लाइसेंस मिलता है आपको, वो पूरा एक दिन के अंदर आपको सिखाते हैं और एक दिन के अंदर ही आपको दे देते हैं, आप फारिग हो जाते हैं एक दिन के अंदर ही, डिग्री हाथ के अंदर होती है। चलो ये ख़त्म हो गया, ट्रेन आने में 10 मिनट रह गए, चलते हैं वापस ट्रेन में बैठते हैं, निकलते हैं आगे। ये किस दिन दोबारा मैं आपको पूरा विजिट करवाऊँगा ये जगह। हैप्पी न्यू ईयर। 2 साल मैं यहाँ पे रहा हूँ, मतलब 1.5 साल जो रहा हूँ वहाँ पे, उस टाइम तो कोई नहीं था कोरोना की वजह से। जैसे सिटी छोड़ के मैं गया हूँ ना, उसमें बोतल भी यहाँ पे एक लगी होती थी, अब बोतलें को कितनी हो गई यहाँ पे, किस्मत की बात है। अच्छा तबीयत मेरी अभी तक फुल ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकता मैं यार। आज का हम लोग भी ये जो लड़की और जा रही थी ना, ये यहाँ की डॉक्टर है पता हो तो, ये गाड़ी पे जा रही थी, यहाँ की डॉक्टर है, जिसने भी जाना है इस डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर चलो यार अच्छा टाइम गुजारा यहाँ पे भी। ये पता नहीं वाइन शराबों की दुकानें वगैरह नहीं हुई यहाँ पे उन्होंने। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया यहाँ पे, अब पीछे और कुछ नहीं रहा, काम पे जाना है बस। काम का व्लॉग नहीं है मैंने बनाया करना यार, क्या यार काम पे जाने का व्लॉग अच्छा नहीं लगता, काम पे जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, बंदा कहता है यार कोई बात नहीं सारे काम करते हैं, उसका फिर मैं अलग से व्लॉग बना दिया करूँगा, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ। ये बाहर के व्लॉग ही बहुत लंबे हो जाते हैं। चलो ट्रेन आने लगी है, ट्रेन में बैठ के मिलता हूँ। ट्रेन में बैठ के मैं आके दूसरी सिटी में आ गया हूँ, देखो यार अब कितनी देर लगेगी यहाँ पे, और क्या हो गया टाइम, ये बस खड़ी भी है
13 मिनट और लगेंगे मुझे उसमें बैठने में। अभी घर जाके आपको दोबारा से मिलते हैं। ठंड होता है, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा दोबारा से डाउन हो गई है यार, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। ये पता नहीं बियर के गिलास तोड़ के फेंके हुए किसी ने यहाँ पे। सो चलो यार मैं निकलता हूँ। बर्फ यहाँ पे सिर्फ ये मुझे मिली है, अभी तक मेल्ट नहीं हुई, बाकी सब मेल्ट हो गया। हवा का प्रेशर इतना है कि मेरी आवाज़ शायद अब तक ना पहुँच रही हो। लगता है उसका इरादा बन रहा है ड्राइवर का, उंगली तो मार रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। मार दो बाहर, बहुत ठंडा है यार, नहीं तो बाथरूम जाकर गुजारा करना पड़ेगा मुझे। निकलते हैं बाथरूम पर। I mean, whatever, I guess. Finally, घर आ गई है मेरा। इसको भी खोलने वाला दिल नहीं चाह रहा, नहीं खोलना ही पड़ेगा। देखो कोई बर्फ शर्फ नहीं रही है, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ है। बिल्कुल साफ सुथरा मौसम है, देख सकते हो आप, कोई भी हलचल नहीं है बर्फ़ की। साइडों में हल्के हल्के टुकड़े पड़े हुए हैं जैसे कि ये पड़ा हुआ है, छोटे मोटे थे, इतने खास नहीं। देखो इसकी हेयर इतना छोटा सा था, जूम करने में फोकस खराब हो जाते हैं। अजीब सिस्टम है यार इसका 4K का। ओके यार, व्हाट द फक। एंट्री हो गई मेरे घर के अंदर। ये एक और पार्सल आया हुआ मेरा अमेज़न से, तो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही करा लिया समझ लो। ये अमेज़न मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो पक्का। चलो यार अब चलते हैं काम पे, 4 बज गए। फिर कंप्लेन वगैरह आ गई थी यार, पता नहीं किस चीज़ की। एक नया केमिकल था शीशे पे लगाने वाला, ठीक है, वो ज़्यादातर ना मुझे थोड़ा ख़त्म हो गया था। मैंने उसको लगाया शीशे पे, उसके बाद मुझे थोड़ा जब मैंने देखा ना खुश्क हो गया, जब मैंने देख लिया सफाई हो गई है, तो वो केमिकल आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया होगा, वो केमिकल ना वो मतलब जम गया था उसको। उसके बाद मैंने असली केमिकल से 4 दफ़ा शीशा साफ किया है। 4 दफ़ा साफ करने के बावजूद उन्होंने कंप्लेन कर दी, यकीन मानो उन्होंने 4 दफ़ा साफ करने के बावजूद उन्होंने कंप्लेन कर दी। टोपी पहनी है मैंने, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी यार, इसने मुझे बचाया है, इसने मुझे बचाया। अगर ज़्यादा पहनो तो दिमाग चलता नहीं, अगर उतारो तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का, बड़ा काम ख़राब है ठंड से यार। ठंड से कंट्रोल, ठंड को हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इसको खोलेंगे अगले ब्लॉक के अंदर, आज उस टाइम के लिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको नहीं खोलना देर तक, यहीं पड़ा रहेगा ये। चलो यार मिलते हैं फिर अगले ब्लॉक के अंदर। ओके यार एक और चीज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियो, बेल आइकन कॉल पे दबा के रखना। जिन्ना चर जी मुँह हत्था साला उन्ना चर सारे भरा 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 जो किसी मुँह चो हथ कट दिया थोड़ी सारे कह लग जाते भी यार हाँ हाँ भी आपका क्यों सोचे। जिंदगी दे पता की रौला की है, हरेक बंद यह है भी जे कोई बंदा कुछ चंगा कर रहा तो साढ़े थले रहे, सानू कवे सातों पच्चे वीर जी ए करना।